स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काफी एसॉप्स दिए गए हैं इस बार, और मुझे लगता है लार्जली वुमेन फोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा योगदान दे सकती हैं, और ये बहुत मदद करेगा जब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाएंगी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए इन्होंने बात की है और ईवी के भी बात की है। तो मुझे लगता है जितना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगा इंडिया में उतना विमेन एम्पावरमेंट होगा, उतना विमेन परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स बढ़ेगा। सो डायरेक्टली बात ना करते हुए इन्होंने कुछ काम किया है, मगर ये देखना है कि ये जो इन्होंने बोला है इसका बोलना और करने में कितना फर्क है, और सबसे ज्यादा जरूरी है वर्ल्ड इसको कैसे देखती है और वो एक्चुअली इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाना चाहती है या नहीं। आज की डेट में यूएस और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है इसका हमें फायदा लेना चाहिए, और मुझे लगता है इसी के लिए ये एसॉप्स जो दिए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, क्योंकि अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज की डेट में चाइना में है, सो डायरेक्टली उसी पे फोकस हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है।